News 18, India. की राजनीति जो अब बहुत दिलचस्प होती चली जा रही है, बहुत सारा सस्पेंस भी है। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, चंद्रमोहन का हम रुख कर लेते हैं। पहले चंद्रमोहन, अब जरा ये भी समझाइए दर्शकों को कि अगर चूंकि तीन फॉर्मूले भी हो रहे हैं जिसमें ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हो सकता है अगर एनडीए के साथ चले जाए तो बिहार का मुख्यमंत्री फिर बीजेपी की तरफ से हो जाए, तो क्या इसमें नीतीश कुमार का नुकसान नहीं है? बिल्कुल, देखिए गठबंधन चाहे कोई भी हो लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इससे पहले 2005 से लेकर और अब तक देखा होगा, भले ही गठबंधन कोई भी हो लेकिन कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहते हैं, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, दो डिप्टी सीएम होंगे, यही अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तय हुआ है। और एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि कल देर रात राज्य सरकार के कई अधिकारी राजभवन गए हुए थे तकरीबन 9 बजे के करीब, और शपथ ग्रहण समारोह कहाँ होगा और उसको लेकर क्या क्या तैयारियां की जानी चाहिए और क्या क्या तैयारियां होगी इसको लेकर राजभवन के अधिकारियों से चर्चा हुई है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं, बस इतना जाहिर करना है कि कौन और कितने मंत्रिमंडल में विधायक शामिल होंगे एनडीए में, जिसमें बीजेपी के कितने होंगे, जेडीयू के कितने होंगे, बस अब इसी पर मंथन चल रहा है। 28 तारीख की सुबह नीतीश कुमार ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है जिसमें सांसद और एमएलसी भी शामिल रहेंगे, तो वहीं आज आरजेडी ने 1 बजे से अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है, तो 4 बजे से बीजेपी की बैठक है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में जो राजनीतिक समीकरण बदल रहा है, अब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो रहे हैं, उससे पहले कि आज तैयारी और रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी, ये सबसे अहम बात भी है। लेकिन एक सबसे खास बात यह है, हमारे सहयोगी अरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, राहुल गांधी की यात्रा लगातार आप फॉलो कर रहे हैं, ये नौबत ना आए, इस तरह की टूट ही ना हो, क्या इसके लिए कहीं कोई पहल खुद राहुल गांधी करते दिखाई देंगे? क्या कोई संकेत मिले कि वो एनडीए गठबंधन में इसी तरीके से बने रहें और बिहार की सरकार भी बने? देखिए प्रशांत, पहली बात तो है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की थी लालू यादव से और राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से बात की थी, उन दोनों को फीडबैक मिला है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार लालू यादव का फोन नहीं उठा रहे हैं, नीतीश कुमार किसी और से शिवानंद तिवारी को समय नहीं दे रहे मिलने का, तो नीतीश कुमार ऐसा लगता है कांग्रेस को और आरजेडी को कि मन बना चुके हैं जाने का, और तभी वो इस तरह का व्यवहार करते हैं, अचानक दही चूड़ा खाने आ जाते हैं जब सरकार बनाना होता है तो, और जब सरकार उनसे अलग हट करके बीजेपी के साथ बनाना हो तो उनकी बात भी नहीं करते, तो उनको संकेत मिल चुका है। बड़ी बात यह है, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के इशारे पर समय ऐसा चुना जब राहुल गांधी की यात्रा आ रही है बिहार, और उन पूरे प्रोग्राम को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो उनकी है, उस पूरे टेम्पो को जो उन्होंने एक माहौल बनाया था उसको सबोटाज करने के लिए और उसको एक तरह से नल एंड वाइड करने के लिए उन्होंने ये समय चुना है। और इसीलिए समय 28 तारीख क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है, 29 तारीख इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी जब आएंगे बिहार में और उसी समय इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा चेहरा है एक तरह से संयोजक की भूमिका में आने वाला था, अगर वही छोड़ के चला जाता है तो पूरे इंडिया गठबंधन पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अरुण आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब जरा दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले कौन कौन सा ऐसा मौका रहा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो रह गए लेकिन उनकी तरफ से बार बार पाला बदला गया और नई सरकार में वो शामिल हो गए। अब हम आपको बताते हैं कि इसके पहले का घटनाक्रम दरअसल किस तरह से रहा है। पहली बार 3 मार्च साल 2000 को इस तरह से ये पद बदलते हुए दिखाई दिए, उन्होंने पद की शपथ ली, और दूसरी बार 24 नवंबर 2005 वो वक्त आया जब सीएम पद की शपथ एक बार फिर से नीतीश कुमार की तरफ से ली गई। लेकिन नीतीश ने सीएम पद की शपथ ली तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को और हमेशा से नए साथी ढूंढकर, और इसके बाद आप देखिए लगातार ये कारवा बढ़ता चला गया। अब माना ये जा रहा है कि 2024 है तो क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर फिर से क्या मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे? आपके टीवी स्क्रीन पर ये भी आपको दिखा रहे, 5वीं बार 20 नवंबर 2015 को वो मौका आया जब नीतीश ने सीएम पद की शपथ ली, तो ये 6ठी बार 2017 में 27 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और फिर एक बार ऐसा ही घटनाक्रम बदला साल 2000 में जब वो 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते थे, और 8वीं बार 10 अगस्त 2022 जब आखिरी बार इससे पहले का मौका आया सीएम पद की शपथ ली नीतीश कुमार ने।
लेकिन खास बात यह रही कि अक्सर वो अपने साथी भी बदलते रहे, लेकिन क्या सच में बिहार में अब खेला होने वाला है? ये सब लोग लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी के तौर पर भी इसे खुद आंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसकी तस्वीरें जल्द ही साफ हो जाएंगी, लेकिन बीजेपी नेता पहले ही केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को राज्य हित और पार्टी हित में बताने में जुट गए हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता का काम है पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप अपनी गति को पार्टी के साथ जोड़ना। एनडीए का अपना अपना महत्व है, एनडीए के नेता जो हमारे हैं वो जो चाहेंगे वो हम लोग चाहेंगे, पार्टी जो चाहेगी वो हम करेंगे। अब जैसे जैसे सियासी बयानबाजी सामने आती जा रही है, वैसे वैसे ही आप देखिए आरजेडी और जेडीयू के बीच में दरारें भी खिंचती चली जा रही हैं। और खबर एक जो बेहद अहम और बड़ी है कि सरकार बचाने के जुगाड़ में आरजेडी सुप्रीमो भी अब लगे हुए हैं और लालू यादव ने नीतीश कुमार को 5 बार फोन किया है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने एक बार भी फोन कॉल नहीं उठाया और लालू यादव से बात तक नहीं की है। लालू यादव के करीबी और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार से मिलने का समय भी मांगा, लेकिन नीतीश कुमार ने मिलने का समय तक नहीं दिया। हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। अब आरजेडी नेता से ना बात कर रहे हैं ना मिलने का वक्त दे रहे हैं। चंद्रमोहन, ये एक बेहद अहम बात भी है, क्या अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई? क्योंकि आरजेडी का आरोप ये कि ना वो फोन उठा रहे हैं और ना मिलने का वक्त दे रहे हैं, क्या वाकई हकीकत है ये? बिल्कुल, देखिए अब सरकार बचाने की जितनी भी प्रयास था वो खत्म हो चुका है और अब नीतीश कुमार यह मन बना चुके हैं कि उनको महागठबंधन के साथ नहीं रहना है। आज से एक सप्ताह पहले जो लगातार रिश्ते खराब हो रहे थे, इस बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, नीतीश कुमार से मुलाकात किया और आखिरी प्रयास ये कहा जा रहा है कि उस समय जब मंत्री का बदलाव हुआ जिसमें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को हटाकर और वहां पर आलोक मेहता को मंत्री बनाया गया, तो ये माना जा रहा है कि वो आखिरी प्रयास था आरजेडी के तरफ से सरकार बचाने का। लेकिन नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि अभी हम साथ हैं, आगे का नहीं बता सकते हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की लगातार बातें चल रही थी एनडीए के साथ और उन्होंने यह मन बना लिया था कि जिस तरह से सरकार में वो असहज महसूस कर रहे थे तो अब महागठबंधन के साथ नहीं रहना है और नीतीश कुमार अब एनडीए गठबंधन के साथ नई सरकार में शामिल होने के लिए तैयारी भी कर ली है। ठीक है चंद्रमोहन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और ये सबसे अहम बात भी है जो आप कह रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि अब इनके साथ नहीं बल्कि इस बार एनडीए सरकार। तो अरुण, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अब चूंकि आपने भी ये जानकारी दी कि नीतीश कुमार मन तो बना चुके थे, लेकिन क्या लालू यादव के परिवार की तरफ से जो ट्वीट आए और फिर बाद में डिलीट किए गए, क्या यहाँ पर ज्यादा खेल बिगड़ गया? वरना बहुत हो सकता था कि आगे थोड़ा समय और लग जाता, लेकिन इतनी जल्दी घटनाक्रम क्या उसके बाद से बदला? देखिए, रोहिणी आचार्य के जिस ट्वीट की आप बात कर रही हैं वो पार्टी में उनकी कोई भूमिका नहीं है और उनकी कोई पॉलिटिकल राय नहीं होती है, वो तो परिवार के सदस्य हैं। इमोशनल उनका एक तरह से आउटब्रस्ट था ये, तो उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। नीतीश कुमार काफी पहले से मन बना चुके थे और कल आरजेडी के नेता कह रहे थे पिछले कुछ महीनों से जो सरकारी ऐड आ रहे थे उसमें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की फोटो नहीं लगने दे रहे थे। जो आरजेडी के कोटे के मंत्री हैं उनको बजट पास करने में दिक्कत आ रही थी, अपने अपने मंत्रालय के काम नहीं कर पा रहे थे, वो अधिकारी जो थे वो नीतीश कुमार के निर्देश पर निर्णय ले रहे थे, यानी मंत्री कहता था कि ये काम होना है तो वो उसको नकार जाते थे। ये आज से नहीं चल रहा, ये ट्रबल, ये मुश्किल काफ़ी दिनों से चल रही है और नीतीश कुमार जब कोई फैसला लेने वाले होते हैं तो उसकी भूमिका बहुत पहले से तैयार कर लेते हैं। यूं ही नहीं, वो 2005 से लेकर लगातार एक आध साल छोड़ दीजिए जीतन राम मांझी का, तो लगातार वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कुछ तो उनके अंदर बात है जिनकी बिरादरी बिल्कुल जाति का वो क्या होता है, दूसरे दल के साथ सरकार बना ले लेकिन पद नहीं छोड़ेंगे, ये भी नीतीश कुमार ने तय कर रखा है। आप बने रहिए हमारे साथ।